इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको ये बता दी चले कि कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक बिहार में बुलाई जानी थी और बिहार सरकार सीएम नीतीश की हाई लेवल जो मीटिंग है वो आज बुलाई गई थी, वो बैठक खत्म हो गई है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में जो अहम निर्णय है वो लिया जाएगा। हालांकि आज कोई फाइनल निर्णय जो है वो नहीं सरकार ले पाई है। आपको ये बता चले कि सर्वदलीय बैठक कल होनी है और उसी को लेकर आज जो बैठक है वही बुलाई गई थी और नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पटना से उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, नीतीश कुमार की हाई लेवल की मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, जानना चाहेंगे क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, बैठक में किस तरह के जो निर्णय है वो लिए गए हैं और कल का क्या कुछ प्लान बन रहा है। जी हाँ राकेश, बीते दिन कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद आनंद फानन में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कई जिले के जिलाधिकारियों से और पुलिस अधीक्षकों से बैठक हुई है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण मामलों को लेकर जांच किया गया है। हालांकि इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कल सर्वदलीय बैठक है, इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई पार्टी के नेता वहां मौजूद रहेंगे, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे, जिसके बाद कुछ भी निकल के सामने आएगा। अभी हर चीजों से बोलते बचते नजर आए मुख्यमंत्री। राकेश, उत्कर्ष एक बहुत ही अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक होनी है, राज्यपाल भी उसमें शामिल रहेंगे, तमाम विपक्षी दल भी शामिल रहेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हम सब के बीच और तमाम राजधानी पटना सहित बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बैठक के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है, क्या हमारा बिहार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, बीते दिन करीब 6000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में महकमे में खलबली मच गई है। जो कोरोना है वो इतने तेजी से बढ़ रहा है कि सरकार उस पर लगाम लगा नहीं पा रही है। हालांकि जो ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है बिहार में, बेड की कमी हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की बात जरूर हो सकती है। राकेश जी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी मानी जाए कि हो सकता है कि सरकार का अगला निर्णय हो सकता है नाइट कर्फ्यू या फिर वीकली जो होता है कर्फ्यू लगाने के लिए या फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस पर कितनी सहमति बनती नजर आ रही है पक्ष और विपक्ष के तरफ से। जी हाँ, कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन तो फिलहाल बिहार में नहीं लगता नजर आ रहा है, लेकिन आसार है कि कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की बात मुख्यमंत्री जरूर कर सकते हैं। हालांकि दिन में धारा 144 लगाने की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल अहम फैसला जो है वो हो सकता है, क्योंकि आज बैठक बुलाई गई है, डीएम एसपी तमाम जो बड़े लोग हैं उनसे बात की गई है, लेकिन इस पर जो निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि राज्य सरकार तमाम दलों को एक साथ बैठाएगी, सर्वदलीय बैठक होगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि बिहार में लॉकडाउन भी लगे, लेकिन इस पर अब तक किसी तरह का कोई भी जो निर्णय है वो नहीं लिया गया है। इंतजार है तो बस कल का, कल एक बार फिर से हाई लेवल की मीटिंग होगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए राज्य में आखिर किस तरह का जो फैसला है वो सरकार ले, ताकि जो लोग हैं राहत की सांस लें।